शहर का मसला है कि प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी से क्वेश्चन जनरली लाहौर प्रायोरिटी, लाहौर और क्वेटा और फैजलाबाद फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी क्या है टू स्टार्ट विद, इट्स अ क्वेश्चन। क्या रोड बनवा दें, खंबे वहाँ पर जाना है हमने लगवा दें, इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है, क्या करें टू स्टार्ट विद, क्या इंटरनेशनली लोग करते हैं क्या, हाउ दे स्टार्ट देयर ग्रोथ, सिस्टम कैसे बनवाते हैं। देखिए अगर आपने रोड बनवाने हो, अपने खंबे लगवाने हो, ब्यूटिफिकेशन करनी हो, अगर आपके पास सीवरेज है नहीं, बेसिकली अगर उस पर थिंक अबाउट इट, सीवरेज होगा नहीं तो उबलती हुई जितनी भी गटर हैं आपके रोड वगैरह को तमाम को जो है ले लेगी, देन इवेंचुअली यू आर अगेन स्टार्ट फर्स्ट विद द रोड्स, देन अगेन यू विल गो अहेड फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि हमारे काम कमजोर पे भी है कि प्रायोरिटीज को देना नहीं है। इकोनॉमिकल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, रीजनली मैं फकत इस वक्त दौरान पे फोकस करूँगा बलूचिस्तान टू सम एक्सटेंट टू धर्म एंड पंजाब के वो इलाके बदलकर पंजाब बलूचिस्तान जैसे इलाके, इनके ऊपर ज़्यादा ही कंसल्टेशन की जरूरत है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, नो रेन, अल्लाह मेहरबान, उनकी मेहरबानी हुई वेल एंड गुड, वी आर कंपेयर टू बेटर, अगर उनकी मेहरबानी नहीं हुई तो फिर हम वापस पूछते हैं कि मैं नीयतें ख़राब की, इबादत हम नहीं किया करते थे, या दीगर जो है ना हमारी खराबियों की वजह से अल्लाह ताला जो है ना यहाँ पर बारिश नहीं बढ़ता, इस तरह की चीज़ें हम वापस को खोज के जो है ना एक दूसरे पर जो है ना ये तमाम चीज़ें डाल दी, नहीं लेकिन इस पर कुछ और है। देखिए प्रायोरिटीज़ की दुनिया में इस तरह के इलाके हैं बलूचिस्तान जैसे एरिड लैंड, कर्ब जैसे एरिड लैंड, यहाँ चोरिस्तान जैसे इलाके दुनिया में कहीं पर है नहीं, या तीन बनाए कैसे गए, उन्हें डेवलप कैसे किया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आप देख लें, उनकी बिल्डिया बिल्टअप टू स्टार्ट विद इस तरह के इलाके थे, उन्होंने बिल्टअप कैसी की, उनके पास प्रायोरिटीज थी कि क्या करना है, कुदरत की मेहरबानियों को हमने अट्रैक्ट करना है, क्रेजी प्लांटेशन बेहंतिया उन्होंने प्लांटेशन करनी शुरू कर दी, प्लांटेशन देन हमारे यहाँ एक वैसे भी गली भी यकीन भी है, अगर आप कहें कि भाई दरख्त ज़्यादा होंगे तो उससे उसमें एक कशिश मकनातीसी कशिश कुदरत की जारी होती है कि बारिश को करके ही आगे निकलती है। लेकिन जनरली हमारे इलाकों में कुल वगैरह इस तरह की बात आप करेंगे फौरी तौर पर कदर देखिए जब काफ़ी बंदा इस तरह की बातें किया करता है, बारिश को अल्लाह मियाँ ही बरसाता है, हाँ अल्लाह मियाँ के ही सिस्टम में ये चीज़ें दी हुई थी, कंप्यूटर में डाल दी चुकी दी जा चुकी होती हैं तमाम चीज़ें कि जब आपके पास नीचे इस तरह की मकनातीसी कुवत हो जो बारिश को अट्रैक्ट भी कर सके और बादल उस वक्त तक इल न पाए जब तक वो कुछ बरस के न जाए। लेकिन मेरे बलूचिस्तान और इन इलाकों में बारिश वैसे ही टाटा करते हुए गुजरती, अब इस पर जो है ना इसी अगर ऑस्ट्रेलिया में जो वेस्ट सहारा की बात कर लें, आप जो है अफ्रीकन बाहर इस तरह के ममालिक हैं जहाँ पर तमाम चीज़ें फेस कर चुके लोग, लेकिन बेहाउट उन्होंने क्या इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे बनवाए, मिसाल के तौर पर प्लांटेशन बेहिंतहा हो, बेहिंतहा मीन जैसे कि शुरू की जा चुकी है कि इस हद तक हो कि कुदरत की मेहरबानियाँ हम पे भी ना हो, बस बारिश होगी ना, बारिश तो हो चुकी है तो मेहरबानी भी कर आपने जो कुछ वहाँ पे गेहूँ वगैरह जो भी काश्त करी थी वो भी कर उससे थोड़ी सी मिलत होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है सस्टेन कैसे करें, सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, कैसे होगी, कब तक आप इस एक दो पाँच बारिशों पर जो नहीं, आपने देखा होगा यहाँ हमें पता ही होता है सबको कि भाई इस मौसम में आपके दरिया उबल पड़ते हैं तो गर्मी आ जाती है और साइड पैरेलली जितने भी इलाके हैं उन्हें लेके ही पानी आके चल निकलता जाता है, लेकिन हमने प्लानिंग तो नहीं की होती ना, हमारे पास प्लानिंग है, प्रायोरिटी हमारे पास है, जब दवाई हो जाती है फिर एक बार फिर हाँ भाई सैलाब की तबाहकारियाँ पैसे कलेक्शन जमा, चीफ जस्टिस साहब भी आगे आ जाते हैं, कोई हॉर्ट मिनिस्टर भी आगे आ जाते हैं, फौरी तौर पर ये तमाम चीज़ें की जाती है, लेकिन बिफोर टाइम प्लानिंग नहीं। मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि एक शहर की बेसिकली जरूरत क्या किस चीज़ से होती है टू स्टार्ट विद, उसकी होती है सीवरेज,
सीवरेज ब्लॉक होगा तो आपके टोटल सिस्टम डिस्टर्ब, पानी उबलता रहेगा गलियों में, बाजारों में, तमाम चीज़ें, रोड खराब होंगे। एक बार फिर रोड खराब होने के बाद आपको जो है ब्यूटिफिकेशन आपकी मांग पड़ जाएगी, आप शुरू करेंगे अगेन विद सीवरेज, नास्टी सीवरेज।